हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी ऐसे पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, ये बताने वाला हूँ। आप लोग आसानी से अपने घर बैठे ही ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को देखेंगे, क्योंकि अगर एक भी चीज़ रॉन्ग होता है तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पूरी वीडियो को देखकर ही फॉर्म फिल करें, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी एडमिशन चाहते हैं, उनकी लॉटरी के सिस्टम लॉटरी माध्यम से आप लोगों का एडमिशन होगा, तो इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जैसे ही लॉटरी का आप लोगों का आदेश आएगा, लॉटरी निकलने का डेट आएगा, मैं तुरंत आप लोगों के लिए वीडियो बना के डाल दूँगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि लॉटरी में आपका नाम आया या नहीं आया। तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग ऑनलाइन अपने मोबाइल से घर बैठे जो फॉर्म है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का, उसको फिल कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग गूगल के पास। गूगल में आपको टाइप करना है www.cgschool.in/SAMES, उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन आएगा यहाँ पे, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक और पेज ओपन होके आएगा। देखिए यहाँ पे पेज ओपन होके आ गया। इस पेज में आप लोगों को यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा होगा, देखिए 3 लाइन दिख रहा होगा, इस लाइन पर आपको क्लिक करना होगा। इस लाइन को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन फॉर्म दिख रहा होगा, एडमिशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अप्लाई लिखा होगा और न्यू लिखा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास फिर से एक पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे देखो आपका ये पेज आ गया। इस पेज को अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम पे पहले से ही टिक हुआ होगा, अगर आप हिंदी मीडियम स्कूलों में एडमिशन चाहते हैं तो हिंदी पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना ज़िला चुनना होगा, यहाँ से ज़िला आप जिस ज़िले में आते हैं उस ज़िले को चुनना होगा। ज़िला चुनने के बाद आपको स्कूल सेलेक्ट करना होगा, आपके घर के आसपास जो भी स्कूल हैं वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अच्छे से पूरे स्कूल का नाम देख लेंगे, आपके ज़िले में जितने अभी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे उसके नाम यहाँ पे होंगे। आप अपने घर के आसपास किसी भी स्कूल को चुन सकते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आपको कौन से क्लास में एडमिशन चाहिए वो पूछेगा। तो यहाँ पे आप जिस भी क्लास में एडमिशन चाहते हैं उस क्लास को सेलेक्ट कर ले। मैं क्लास 1 पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप लोगों को फिर बताएगा कि उस क्लास में कितने सीटें हैं और कितने खाली सीट हैं और कितने लोग उसमें अप्लाई कर चुके हैं, कितने लोग अभी तक आवेदन कर चुके हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो देखिए टोटल 50 सीटें हैं, जो कि 50 के 50 क्लास 1 में खाली हैं और 5 लोगों ने अभी तक अप्लाई कर चुका है इस स्कूल में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे कुछ जाना होगा, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप लोग मोबाइल नंबर वही डालेंगे जो आपका मोबाइल चालू हो। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के पास आपके पास एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर इंटर करना होगा। तो OTP जिस मोबाइल नंबर में आएगा वही नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे मोबाइल नंबर। देखो यहाँ पे आप लोगों का OTP आ चुका है और OTP हैज़ बीन सेंड योर मोबाइल नंबर और एडमिशन फॉर सजेस इतना जांजगिरी BMY चरोदा क्लास 1। मैं ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया जा रहा है ताकि आप लोग को पता चले कि आप किस किस क्लास के लिए अप्लाई किए हुए हैं। यहाँ पे आपको ओके करना होगा और जो OTP आया उसको लिख कर रख लेना होगा। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे आप कौन सा मीडियम डाले हुए थे वो आएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से डाले हुए थे, ज़िले से, कौन से स्कूल में डाले थे, कौन से क्लास में डाले थे। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट नेम लिखना है, यहाँ पे आपको फादर नेम लिखना है और यहाँ पे आपको उनका जेंडर चुनना है, बॉयज़ है कि गर्ल्स, जिसका एडमिशन कराना है आपको, ठीक है। फिर उसके नीचे आपको जाना होगा।
देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नाम डालने के बाद फादर नाम डालना है, फिर जेंडर आपको चुनना है, फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ बच्चे का डालना है, जिसका क्लास जिस क्लास में आप जिस बच्चे का एडमिशन चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पे आपको कास्ट डालना होगा कि कौन से कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, ST SC OBC जनरल, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आएंगे तो आप जो पहले पिछले कक्षा में पढ़ाई किए थे वो हिंदी मीडियम से किए थे कि इंग्लिश मीडियम से, अगर आप इंग्लिश मीडियम से किए थे तभी आपका स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन हो पाएगा, अगर आप हिंदी मीडियम से पिछले कक्षा पास किए थे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आपका कितना परसेंटेज था, आप BPL कैटेगरी के आते हैं कि या नहीं, आपके पास राशन कार्ड है या नहीं, उसके बाद आपका फाइनेंशियली वीकर आप यस करेंगे, यहाँ पे एनुअल इनकम आपका कितना है ये यहाँ पे दिखाएंगे, फिर उसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ होगा, एड्रेस में आप पूरा फुल एड्रेस अपने आधार कार्ड से देख कर भरेंगे, यहाँ पे पिन कोड लिखा होगा जो कि आपके आधार कार्ड में होगा, यहाँ पे बच्चे का एक फ़ोटो अपलोड करना होगा, बच्चे का फ़ोटो जो है 100 KB में बनाना है आपको, उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल में क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है, फिर उसके बाद आपके पास जो मोबाइल नंबर पे OTP आया हुआ था उस OTP को यहाँ पे आप लोग डालेंगे, इस OTP को डालने के बाद आप अप्लाई फॉर एडमिशन ऑन सजेस्ट में क्लिक करेंगे, जैसे ही अप्लाई फॉर एडमिशन ऑन सजेस्ट में क्लिक करेंगे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फॉर्म फिल होने के बाद वहां पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाएगा, डाउनलोड का ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, आप फॉर्म ले जाके नज़दीकी अपने जो भी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में अप्लाई किए थे वहाँ पर आप लोग फॉर्म को जमा कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फॉर्म फिल करने के बाद जो आप लोगों का लॉटरी माध्यम से प्रवेश मिलता है उसका भी डेट घोषित किया जाता है, तो लॉटरी कब तक निकलेगी इसकी जानकारी मैं अपने इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग आसानी से जाकर पता कर लें। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा।